मेष राशि, यह दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, जम के मेहनत कीजिएगा, बस एक सावधानी रखिएगा। इस दिन सावधानी है वाहन चलाने में और अपने सीनियर से जब आप बात करें तो शब्दों के प्रयोग में। उपाय क्या करेंगे? ओम नारायण नमो नमः का जप करिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु ठीक करेंगे सब। वृषभ राशि, यह दिन मन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, आपके घर में भी कुछ समस्याएं होती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए बहुत ध्यान से चलने की आवश्यकता है। सावधानी, किसी भी बात पर एकदम प्रतिक्रिया मत दीजिएगा, थोड़ा शांत रहिएगा, धैर्य पूर्वक इस दिन अपने काम कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? दूध का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए। मिथुन राशि, ये वक्त आपके लिए आगे बढ़कर कार्य करने का है, रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने का है, समय उपयुक्त है, बस एक सावधानी रखनी है, इस दिन कंधे या कमर में कहीं कोई परेशानी ना हो। उपाय क्या करेंगे? इस दिन अनाज का दान कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, ये वक्त आपके लिए थोड़ा सा कमजोर है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये थोड़ा सा कमजोर है, प्लानिंग की दृष्टि से भी कमजोर है, इस दिन खर्च किया गया धन बहुत ज्यादा फायदा दे नहीं पाएगा। सावधानी, इस दिन सोच समझ कर खर्च करें, कीमती चीजों का इस दिन बहुत ख्याल रखें और रिश्ते नातों को बहुत ही धैर्यपूर्वक डील करें, अन्यथा वह परेशानी होगी। उपाय क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम का जप कीजिए और चावल का दान इस दिन जरूर कर दीजिएगा। सिंह राशि, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, इस समय में आप खूब जम के अपना कार्य कीजिए, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, धैर्य अधिक रखना पड़ेगा, फिर भी आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। सावधानी, इस दिन शरीर को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो परेशानी महसूस करेंगे। एक उपाय कर लीजिएगा, सूर्य को जल दीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, इस दिन घर गृहस्थी में कोई परेशानी हो सकती है, माता पिता या घर के अन्य बुजुर्गों के स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानी, इस दिन अपने बहन भाइयों से और घर के अन्य लोगों से बहुत सोच समझकर बात कीजिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और इरिटेट मत होइएगा। एक छोटा सा उपाय जरूर कर लें, इस दिन हरी मूंग की दाल का दान अवश्य कर दीजिएगा, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, बस क्रोध तज दीजिएगा इस दिन। सावधानी क्या रखनी है? अपने घर के बड़े बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है, किसी की समस्या आपको थोड़ी सी चिंता दे सकती है। अपने जीवन साथी यदि हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी आज आपको बहुत ख्याल रखना होगा। बाकी एक उपाय करें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। गंग गणपताय नमः का जप करके अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, ये समय अनुकूल है, मेहनत से कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त करने वाला है, यद्यपि परिणाम आपको बहुत मुश्किलों से मिलेंगे, किसी व्यक्ति से मदद मिलने की जो आस रही होगी वह आज पूर्ण नहीं हो पाएगी, आपके कुछ सीनियर्स आपसे नाराज भी हो सकते हैं। सावधानी, इस दिन स्मार्ट बन के रहिएगा, मन हल्का बिल्कुल मत कीजिएगा, धैर्य और विनम्रता छोड़िएगा नहीं। उपाय, हल्दी चंदन का तिलक मस्तक पर धारण करें, अपने काम पर जुटिए, सब ठीक करेंगे। धनु राशि, आज पैसे को बहुत सोच समझकर खर्च कीजिएगा, कुछ दुश्मन आपका नुकसान करने पर आमादा हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं, अपने दोस्तों से, सीनियर से, जूनियर से, घर में काम करने वाले लोगों से अच्छा व्यवहार रखिएगा। सावधानी, इस दिन आप कटु भाषा नहीं बोलेंगे, किसी पर शक नहीं करेंगे और जब तक आपके पास सबूत ना हो किसी के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा करिएगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? दूध और हल्दी का दान जरूर कर दीजिएगा। मकर राशि, ये दिन आपके लिए बेहतर है, इस दिन आपको आगे बढ़ने के खासे अवसर मिलने वाले हैं, बस मेहनत आप करते रहिएगा, शाम के समय आपके कुछ कार्य बनने शुरू होंगे या आपका मन बेहतर होना शुरू होगा, कुछ अच्छे लोगों से भेंट इस दिन हो सकती है। सावधानी, इस दिन पेट और ठंड की कोई समस्या ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और कोई आपकी निंदा करेगा ज्यादा प्रतिक्रिया मत दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? उड़द की दाल का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, ये समय आपके लिए थोड़ा सा
कम अनुकूल है, बस इतना ही कहूंगा, क्योंकि भाग्य पक्ष कमजोर है, इसलिए आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी और बेहद अनुशासन से करनी पड़ेगी। बाकी तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस कुछ सावधानी रखिएगा। इस दिन वाहन चलाते वक्त सावधान रहें और तेजी से जीना ना उतरिएगा। एक उपाय कर लीजिएगा, इस दिन का उपाय है ओम नमः शिवाय का जप करिए, जितना आप पे वक्त हो फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है, इस समय का सदुपयोग करने में आपको बहुत लाभ मिलेगा, बस थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कीजिएगा और सावधानी रखिएगा। इस दिन घर के बुजुर्गों से कहीं मनभेद ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा और अपने स्वास्थ्य का और अपने घर के छोटे बच्चों के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, यदि संभव हो सके तो अभी गायत्री का यज्ञ कर लीजिए, चाहे मात्र 11 ही आहुतियाँ दे लीजिए, यदि नहीं तो गायत्री का यज्ञ जप करते हुए अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। ये है ABP News, आपको रखे आगे।